हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी पॉपुलैरिटी ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में है, और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मोस्ट सर्च करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं पूरी दुनिया के। उनके बारे में आप क्या कहेंगी, क्या सोचती हैं आप उनके बारे में? मेरी दरख्वास्त थी, मैंने जैसे ही मीडिया क्यू एंड ए शुरू किया था, मैंने कहा था कि प्लीज हम सवाल हरनाज तक रखें और उसकी जर्नी। हाँ जी, मैं उनकी जर्नी पे भी आऊंगा, बट ऐसे इन जनरल क्या सोचती हैं आप हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में? Well, it's a huge, huge thing to be the prime minister of your country and to make sure that every decision that you take, it's towards uplifting the economy of your country and it's fulfilling the needs of your citizens. And I think he has his own journey and he's making the most out of it and looking forward to the upcoming days of his journey. So. क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात की थी, जीतने के बाद जब आप पहली बार इंडिया आई थी तो आपने बताया था कि मुझे फिल्में करनी है, फिल्में जाना है। तो हम आने वाले दिनों में किस तरह की फिल्में देखेंगे आपको? लाइक अब हम देख रहे हैं लोग कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोग एक्टर नहीं बल्कि स्टोरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम आपको किस तरह की फिल्में देखेंगे? लाइक किस तरह की फिल्में करते हुए हरनाज जी दिखेंगे हमें? ऑनेस्टली एक्टर को एक्टर की नज़र से देखो तो ही उसको एक्टर कह सकते हैं, ना कि वो कितना फेमस है और वो मूवी कितनी इम्पैक्टफुल है, कितना मैसेज है उसमें और वो कितनी चेंज ला सकती है सोसाइटी में, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड मुझे बायोपिक मूवीज़, रोम कॉम मूवीज़ जैसे एंटरटेनमेंट है और उसके थ्रू कैसे माइंड्स में जाकर लोगों को चेंज करना है, जो आजकल प्रॉब्लम्स है उसकी रिगार्डिंग अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करनी है, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो यू विल सी मी इन दैट वे इन मूवीज़।